वही बात हुआ, महादेव हमारे वही थे और महादेव के कृपा से साहब दीदी के आशीर्वाद से हम लोगों गांव में चर्चा किए, गुरबहना बुला सब सबको के भोजन कराई और समझाई। हमको यही लौक गया कि आज हमारे साहब और लीलन दीदी जो किए थे मेहनत कि रहत चलता के भोजन करा के थरिया जूठा माज के घोषणा कराई थी दीदी, हमारे साहब वही आज दोनों गुरु भाई गुरु बहना के दिल में लगे हुए हैं कि हम भी हमारा कितनों अमारत लग जाए लेकिन हम आज भंडारा करेंगे, सभी गुरु भाई गुरु बहना के खिलाएंगे और शिव के गुरु बनने के लिए कहेंगे कि शिव को गुरु बना लीजिए। शिव गुरु के प्रणाम, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, साहब के चरणों में प्रणाम, श्री आनंद लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, शिव हमारे गुरु हैं, शिव सबके गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं, देवों के देव महादेव हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, एक कण कण में वास हैं, इनको गुरु हम लोग बनाए हैं और बना के आज हम लोग इनके चरण में गिरे हुए हैं, इनको कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। आज साहब श्री हरिदानंद जो अधूरा सपना छोड़ के गए हैं, आज देखिए सभी देश में गुरु भाई गुरु बहना लगे हुए हैं कि कैसे हमारे साहब का अधूरा सपना पूरा होगा, और लग रहा है कि साहब का अधूरा सपना इतना बिजोड़ पूरा होगा कि साहब के हमारा रोम रोम जुड़ा जाएगा। देखिए हम लोग गए थे एक गुरबाना, मोबाइल से बात करके हम लोग के बुलाई गुरु बहना, जो गाना में हमारा नंबर रहता है उसी पर से नंबर उतार के हमसे बात किए और करके और कहे कि दीदी हम चर्चा कराना चाहते हैं, जिस गांव में हम हैं उस गांव में लोग नहीं लोग शीश बने हैं। कहाँ के बेगूसराय उसका नैहर है, बेगूसराय से घोषणा करा के अपना मायके से और गए थे और वहाँ लोगों से बता रही थी कि भैया देखिए शिव के गुरु मान लीजिए, शिव जगत के गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। उनको लोग मजाक उड़ाता था कि पागल है, बरबरा रही है, आल जाल बक रही है। लास्ट में बेचारी कहा किया कि कुछ दिन बीतते हमारे फोन से संपर्क किया करके बोले कि दीदी हम लोग गए थे कानपुर से आगे फफूनपुर स्टेशन से उतर के और हम लोग औरैया गांव में गए थे, एक घंटा डेढ़ घंटा और आगे सरेह में देहात में एकदम खाटी देहात में हम लोग गए थे, उपी में गए थे। तो दीदी लोग देखिए गुरु भाई गुरु बहना, वो गुरु बहना बोली कि दीदी हमारे किहन आप आ जाइए, हो सकता है कि हमको समझाने से कोई नहीं मानता है कि हो सकता है आपको कोई बात समझ सके, इसलिए कि आपका भजन देश विदेश सभी कोई सुन रहा है, तो हो सकता है कि आपके आने से आपका भजन और भाव करने से लोग हो सकता है कि गुरु बना सकता है, आप आइए। हम उसी लिए चर्चा लिए हम भंडारा करा रहे हैं, हमको ये गम नहीं है कि हमारा 20,000 उठेगा कि 30,000 उठेगा, मेरा पति काम करते हैं जाके दिल्ली में और काम करके मजूरा है ले आते हैं, लेकिन मेरे पति को हमको दिल में ललसा है कि इस गांव के बच्चे बच्चा शिव के गुरु बना ले, जैसे बना ले। वो बेचारी 50-60 किलो आटा के पूरी छनवाई और 80 किलो दूध और अथी सबुजदाना काजू किशमिश सब मिला करके और खीर बनवाई, बड़का डेगचा में खीर बनवाई, सब्जी बनवाई, पूरा गांव के पत्र लिखवा के बटवाई, कार्ड छपवा के कि शिव को चर्चा हम कराने जा रहे हैं, शिव गुरु के बाहर से गुरु भाई गुरु बहना बुला रहे हैं, आप लोग आने का प्रयास कीजिए जा। उन 200 पर्चा छपवा के बांटी थी, एक तरफ साहब का फोटो, एक तरफ दीदी का, एक बीचा में गुरु महेश्वर का फोटो और हमारा नाम नीचे नाम हमारा लिखे थी कि ये गुरबहना के बिहार से हम बुला रहे हैं, आप लोग आने का प्रयास कीजिएगा। दीदी जब वहाँ साज बाज शुरू हुआ बाजने लगा तो वो गुरु बहना जैसे कि मोर नाचता है वैसे वो नाचने लगी गुरु बहना कि कैसे हमारे गुरु भाई गुरु बहना शिव के गुरु बना लेते तो बहुत अच्छा होता। हम लोग उनको बहुत समझाए कि दीदी इतना तक बेटी के ब्याह में धड़कन नहीं होता है जितना आप उसे ज्यादा धड़कन में है, आप आराम कीजिए, नहाइए, तैयार होइए,
चिंता मत कीजिए, गुरु पर छोड़ दीजिए, हम लोग साहब और दीदी से आदेश ले के चले हैं कि हे साहब दीदी जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ चल के आप आगे विराजमान हो किए, आज जो भी आवाज हम लोग का निकले उन लोग का जाके मन में बसे आपका कृपा से आपका शक्ति से। साहब बोले हैं कि पहाड़ पर पुकारिएगा पहाड़ पर आएंगे, जहाँ पुकारिएगा तहाँ आएंगे हम, तो हम लोग चल रहे हैं साहब वहाँ चलिए, मेरा भाषा भी कोई नहीं समझ पाएगा लेकिन आपका शक्ति होगा तो सभी भी भाषा पहचानेगा। भैया दीदी लोग जब हम लोग चर्चा किए तो टोटल गांव का मर्दे मेरानू लैके पैका घूग कार के बूढ़ बूढ़ औरत 60 बरस 70 बरस के वो गुरबहना बेचारी इतना हुलस में थी, इतना खुशी में थी कि अपने हम लोग का बैठाई हम लोग चर्चा करने लगे। लास्ट में बोली दीदी हमको पहले चर्चा दीजिए ना, हम दे दिए उनको चर्चा, लगी चर्चा करने, जितना आदमी था उन पर मजाक उड़ाने लगा हंसने लगा बोलती थी तो हमको समझ में आ गया हम कहीं इसको बात कोई समझने वाला नहीं है। हम कहें दीदी आपको हाथ जोड़ते हैं, आप जाइए आराम से बैठिए, आपको काम हम साहब का अनुराग से कर रहे हैं, मेरे साहब और दीदी हमको कृपा करेंगे और हम उन्हीं के कृपा से बोलेंगे जो आवाज उन लोग समझेगा। हम भैया चर्चा शुरू किए, समझा भजन गाते थे चर्चा करते थे, एक भजन गाते थे चर्चा करते थे, समझा के जैसे प्रवचन होता है वैसे कर के और जब हम लोग समझाए उसमें एक मास्टर थे गुरु भाई बेचारा, उनको समझ में आया वो अपना पूरा परिवार के घोषणा कराए, एक आदमी उनको देखा हिसकी और कराए, एक मर्दाना और कराए, 2-4-10 गो मर्दाना कराए, तब गुरबहना लोग के लौकी कि जब मर्दाना होकर के घोषणा करा रहे हैं तो हम लोग लेडीज काहे ना कराएंगे। तब उसमें से गुरबहना लोग धीरे धीरे हम कॉपी और डायरी घुमवाए और सारी गुरबहना गुरु भाई घोषणा कराने लगे, कम से कम 80 आदमी का घोषणा हुआ। दीदी अभी तो अधूरा हुआ, अभी उसे ज्यादा उस गांव में आदमी है, 80 आदमी का घोषणा हुआ और बहुत ओजे महादेव का मंदिर था और मंदिर में जाके पहले हम लोग गोड़ लाके सवाल डाले कि हे प्रभु आपके कार्य हम लोग करने के लिए आए हैं, आप ही के दरवाजा पर चर्चा शुरू होने वाला है, आप इसमें दया कीजिए कि हम लोग एक भार बोले तो उन लोग 10 भार समझे। भैया वही बात हुआ, महादेव हमारे वही थे और महादेव के कृपा से साहब दीदी के आशीर्वाद से हम लोगों गांव में चर्चा किए, गुरबहना बोला सब कोई के भोजन कराई और समझाई। हमको यही लग गया कि आज हमारे साहब और लीलन दीदी जो किए थे मेहनत कि रहत चलता के भोजन करा के थरिया जूठा माज के घोषणा कराई थी दीदी, हमारे साहब वही आज ये दोनों गुरु भाई गुरु बहना के दिल में लगे हुए हैं कि हम भी हमारा कितनों अमारत लग जाए लेकिन हम आज भंडारा करेंगे, सभी गुरु भाई गुरु बहना के खिलाएंगे और शिव के गुरु बनने के लिए कहेंगे कि शिव को गुरु बना लीजिए और शिव जगत में सबकर गुरु है, आपको भी गुरु है, आपको कल्याण करेंगे, लोगों के कल्याण करते हैं। भैया हम लोग बहुत खुशी से चर्चा किए और बहुत आनंद जीव हम लोग का हुआ कि हे साहब सचमुच में आप कहे हैं कि जहाँ पुकारिएगा तहाँ हम आएंगे, गुरु के काज खाती आप 10 डेग चलिएगा तो हम 20 डेग चलने के लिए तैयार हैं। और देखिए हमारे गुरु इतना हम लोग इतना जाम में हम लोग गए गुरु भाई गुरु बहना, इतना जाम में कि एक गाड़ी से हम लोग उतर गए मुगलसराय जाते जाते कानपुर जाते जाते हम लोग उतर गए कि हम लोग अब नहीं जाएंगे, हम लोग का अकबकाहट घेर लिया और मुगलसराय में हम लोग उतर गए। यहाँ से जाते जाते मुगलसराय से हम लोग भटक रहे थे कि अब कौन गाड़ी धर के हम लोग जाएंगे, लास्ट में हम स्टेशन पर चढ़े जब प्लेटफार्म पर तो हम हाथ उठा के बोल दिए कि साहब अब हम दूर में चर्चा में कहीं नहीं जाएंगे, बाप रे बाप हम लोग के गोड़ धरने का शरम नहीं है, किस विधि जाएंगे, यहाँ शरीर में भी खौल रहा है कि वहाँ लोग के प्रचार किया गया है वहाँ लोग जुटेगा, अगर हम समय से नहीं जाएंगे 11 बजे चर्चा के डेट है तो बड़ा उस गुरबहना के दिल दुखेगा। हे साहब अब आप ही कुछ उपकार कीजिए कि हम लोग किस विधि जाए कैसे जाए। भैया जब हम लोग प्लेटफार्म पर चढ़े या जब तीसरका चौथका पर जब हम लोग उतरे 10 नंबर पर तो गाड़ी लगा हुआ था एक्सप्रेस था,
और जहाँ जर्नल बोगी था वही जाके हम लोग स्टेशन पर सीढ़ी से उतरे, और जब ताके घुस के तो देख रहे हैं कि जर्नल है और हम लोग के बैठने के भुइया में जगह मिल जाएगा, सीट तो नहीं भुइया में बैठने का जगह मिलेगा। भैया उसी गाड़ी में हम लोग घुसे और घुस के हम लोग गए कानपुर, कानपुर से फिर हम लोग उतरे और उतर के फफून स्टेशन के गाड़ी धरे और जाके वहाँ फफून स्टेशन उतरे, स्टेशन से फिर हम लोग टेम्पू धरे और रैया गांव में गए और रैया गांव में जा करके और फिर वहाँ और रैया गांव से फिर 4 किलो 5 किलो दूरी पर फिर हम लोग गए। तो देखिए बहुत दया है, बहुत कृपा है, बहुत। और हम लोग जा रहे थे जिस रास्ता में मोर आगे पीछे आगे पीछे रोड के जैसे बुझा रहा था कि बैल के दौरी हो रहा है, वैसे वहाँ के मोर आगे पीछे चल रहा था। हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि हमारे गणेश भगवान तो नहीं आए हैं, नंदी बाबा नहीं आए हैं, कार्तिक महाराज नहीं आए हैं, लेकिन उनका सवारी हम लोग का आगे पीछे चल रहे हैं, काम सफल होगा। बहुत खुशी से हम लोग वहाँ चर्चा किए और जब हम लोग चलने लगे तो दीदी और दोनों भाई बहन दोनों मर्द मेहरानू रोने लगे कि दीदी लोग कम से कम रात भर रह जाती आप लोग तो और लोग समझ जाता, कि और रात में मैंने कुछ गान बजान होता तो लोग समझ जाता। हम बोले कि जब हमारे गुरु के चर्चा हुआ तो इतना लोग समझे, तो गान बजान क्या होता है भाई, से अब चर्चा में आप बुलाइए फिर हम लोग चर्चा करेंगे और लोग समझ जाएगा। आप एक थे यहाँ 80 गुरु भाई गुरु बहना हो गए तो क्या आपको सोचना है। अब आप रोइए मत, आप अस्थिर रहिए और गुरु के ध्यान में लगे रहिए, लोगों से बीच बीच में ठोकारा देते रहिए, लोग समझ गए हैं और समझ जाएंगे। एक बार और हम आएंगे ना तो और जो बाकी साकी है पूरा हो जाएगा। तो भैया यही हमारा चर्चा है और अपने गुरु के बखान करके आए हैं और यही चर्चा आप लोग के सुना रहे हैं कि आप लोग भी जहाँ हैं वहाँ सोइए मत और गुरु के चर्चा के लिए आप लोग जागिए, और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ आप लोग भी तैयार होइए, हम लोग के भी बुलाइए, हम लोग साथ हैं आप लोग के, गुरु के चर्चा में हम लोग शामिल हो गए और गुरु के चर्चा के आगे बढ़ाएंगे, हमारे साहब के सपना पूरा करेंगे। यही कह कर के वाणी हम गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, साथ साथ फिर देशवासियों सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम स्वीकार कीजिए।